हाँ जी सभी का स्वागत है एक बार जुड़ जाइए सब लोग चलिए आ जाइए जी सॉरी थोड़ा सा नेट क्या हो गया था फ्लक्चुएट कर गया था बीच में इसलिए दिक्कत आ गई यहां पे हाँ जी सॉरी थोड़ा नेट क्या हो गया आपका फ्लक्चुएट कर गया था तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं बात कर रहे थे यहाँ पे चिनाब रिवर के बारे में हाँ जी चिनाब रिवर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि क्या रहा चिनाब रिवर आ, के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो चलिए जी आगे देखते हैं यहाँ पर यस अभी ठीक है अभी ठीक है तो यहाँ देख लीजिएगा कि चिनाब रिवर जो है ये वर्ल्ड से हाइएस्ट यहाँ पर एक बार देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे सो दिस इज वर्ल्ड हाइएस्ट स्टिल जो है यहाँ पर अगर बात किया जाए आर्क रेल ब्रिज इन जे एन के टू बी डेवलप्ड एट टूरिस्ट स्पॉट ओके नो ऑल डिटेल्स यार अब थोड़ा सा यहाँ पर आइए देखते हैं चिनाब रिवर के बारे में जो अभी चर्चा में रहा है जो न्यूज में रहा है ओके तो आइए देखते हैं चिनाब ब्रिज द वर्ल्ड हाइएस्ट रीज के बारे में क्या देख सकते हैं या दिस इज वर्ल्ड हाइएस्ट स्टील आर्क रेल ब्रिज सिचुएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर रियासी टाउन इज सेट टू बी डेवलप्ड एज अ टूरिस्ट प्लेस इसके बारे में अगर कहा जाए तो हम लोग तो क्या देख रहे हैं कि ये पूरी तरह से क्या है तैयार है इज सेट टू बी एज अ टूरिस्ट प्लेस के रूप में ये अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है और इसको जो है एक तरह से कह लीजिए कि पर्यटकों के लिए इसको बनाने की कोशिश की जा रही है इसके बारे में आइए थोड़ा सा इन डिटेल देख लेते हैं कि क्या है ये तो चनाब यह स्थान जम्मू और कश्मीर में रियासी ज़िले में बक्कल और कौरी के बीच में स्थित है सो बेसिकली वेयर इज़ द लोकेशन ऑफ दिस प्लेस चलिए अभी ओके है ना साउंड और साउंड और ये ओके है आप सबको हाँ जी एक बार प्लीज़ बता दीजिएगा यहाँ तक ओके है जी आर वी शिवानी पी सोनकर आई एस पूजा हाँ जी पूजा अभी यहाँ तक क्लियर है आप सबको यहाँ पे अभी तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है यस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग और थोड़ा सा क्या है नेट का आज पता नहीं फ्लक्चुएशन हो गया था इसीलिए थोड़ा सा क्या हो गया बीच बीच में रुक गया था अभी कोई दिक्कत नहीं ना निततीश तो इसके बारे में देख लीजिएगा ये कहाँ पर है ये चिनाब ब्रिज के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है तो बेसिकली अगर आपसे कहा जाए कि ये है क्या ठीक है ना सो बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का ये क्या है आपको हिस्सा है चलिए अब आते हैं यहाँ पर इसके बारे में अगर बोला जाए तो ये यूएस बी आर एल प्रोजेक्ट इन्वॉल्व द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेलवे लाइन फ्रॉम द उधमपुर टू बारामूला यानी ये जो परियोजना है ये उधमपुर से बारामूला तक रेलवे लाइन का निर्माण शामिल है और ये कश्मीर घाटी यहाँ ध्यान से देख रहे भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ती है कश्मीर को के वो देश के बाकी हिस्सों में जोड़ना और घाटी में विकास करना इस पर क्या है इसका फोकस है दो किलोमीटर की इसकी लंबाई है जो कि आप देख सकते हैं 2002 में इसको राष्ट्रीय परियोजना यानी दिस प्रोजेक्ट वाज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल प्रोजेक्ट इन 2002 इसके बारे में देख सकते हैं कि 2002 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसको हाँ तो ये बड़ा ही क्या है कि जब ये रेडी हो जाएगा तो ये क्या रहेगा एक तरह से कि ये टूरिस्ट के लिए या पर्यटकों के लिए क्या रहेगा यहाँ पर काफी अट्रैक्शन का सेंटर रहने वाला है चलिए जी अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट इस पर बात करें यहाँ पे वो क्या है दैट इज की नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ठीक है जी राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष तो क्या है ये यह? यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि क्या है ये आइए देखते हैं इंडिया जापान लॉन्च डॉलर सिक्स हंड्रेड मिलियन फंड फॉर लो कार्बन एमिशन प्रोजेक्ट्स जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भारत के द्वारा लगातार क्या है लो कार्बन इमीशन पे काम किया जा रहा है कि कम से कम क्या हो कार्बन का उत्सर्जन हो तो यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं यहां पर जो हम लोग देख पा रहे हैं वो ये है जो न्यूज में रहा है जो चर्चा में रहा है कि क्या इसके संदर्भ में यानी जापान और भारत के संदर्भ में तो ये देखिएगा सो बेसिकली अबाउट नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इट इज एन इन्वेस्टर ओन फंड मैनेजर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद हम लोग क्या देख रहे हैं लीडिंग ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन इट इज इंडियाज फर्स्ट एवर सोवेरियन वेल्थ हेल्थ फंड है ये वेल्थ फंड है विच वॉज से ईयर इन दो हजार पंद्रह देखिये इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि बेसिकली ये है क्या है ना तो देखिए इसके बारे में कहा जाए तो एक निवेशक स्वामित्व वाला फंड मैनेजर है जो प्रमुख वैश्विक और घरेलू रूप में क्या करता है निवेशकों के सहयोग से भारत द्वारा संचालित है तो बेसिकली यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर बोला जाए तो वर्ल्ड लेवल पे या फिर डोमेस्टिक लेवल पे जो इन्वेस्टर हैं जो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं उनसे रिलेटेड है भारत का पहला संप्रभु धन कोष है जिसे वर्ष 2015 में क्या किया गया था इसे इस्टैब्लिस्ड को किया गया था सो बेसिकली इट वॉज इस्टैब्लिस्ड ड्यूरिंग टू थाउजेंड यहां पर देख सकते हैं अच्छा ये क्या है इसके बारे में अगर कहा जाए तो इसका मेन क्यार क्या है कौन से क्षेत्र में काम करता है तो इसके संदर्भ में आइए देखते हैं तो इट इज एन इंस्टीट्यूशन फॉर इनहांसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फिनांसिंग बाय इन्वेस्टिंग इन ग्रीन फील्ड ठीक है ना ब्राउनफील्ड एंड स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स तो बेसिकली इसका कहां पर हम लोग देख रहे हैं कि इसका कार्य क्या है तो ये ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड और रुकी हुई परियोजनाओं में निवेश करने के बुनियादी ढांचों के वित्त पोषण को बढ़ावा देता है ठीक है जी और इसकी स्थापना का लक्ष्य बुनियादी ढांचे से संबंधित है तो एक बार देख लीजिएगा इसके संदर्भ में तो एक तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि मेनली हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस के बारे में कि जो इन्वेस्टर्स हैं चाहे वो विश्व लेवल के हैं वैश्विक लेवल पे या फिर घरेलू स्तर पे, इनके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो भारत के अलग अलग प्रोजेक्ट्स में क्या है लगाए जाएंगे जैसे कि वॉट वी कैन सी तो ग्रीन फील्ड हो गया ब्राउन फील्ड हो गया इन सब के प्रोजेक्ट्स में यहाँ पर जो है जो पैसा है या जो कह लीजिए जो फंड है वो यूज किया जाएगा फंड भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो है सेबी के साथ वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में पंजीकृत है द फंड आर रजिस्टर्ड एज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड विद द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसको हम लोग सेबी बोलते हैं ओके okay? चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर यस yes, तो ये देखिए कुछ जो आपके जो लगातार न्यूज में रहा जो चर्चा में रहा तो क्यों चर्चा में रहा है क्योंकि अगर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है बेसिकली वित्त पोषण से संबंधित जो फंडिंग है और ये फंडिंग हम क्या देख रहे हैं कि ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड इसमें क्या किया जाएगा लगाना है तो ये इसके और इसको देख कौन रहा है से भी इसे देख रहा है आइए देखते हैं हम लोग अगले इस पे साउथ लोहानक लेक है ना इसका नाम है साउथ लोहानक लेक ये क्यों चर्चा में रहा वाई दिस इज इन न्यूज ये क्यों फेमस रहा आइए देखते हैं है ना आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा कि क्या है ये ओके जी तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कि इसमें है क्या देखेंगे सिक्किम फ्लैश फ्लड्स लाइव अपडेट्स देट टॉल राइजेस टू 18 नियरली 100 पीपल रिमेन्स मिसिंग सिक्किम फ्लैश फ्लड्स अप दे एटलीस्ट फोर्टीन पीपल इसमें क्या हो गया इनकी मृत्यु हो गई और 102 मिसिंग है हेवी रेन्स कॉज अ ग्लेशियर लेक इन सिक्किम बर्स्ट जैसा कि आप देखेंगे सिक्किम के बारे में अगर कहा जाए तो अभी हाल फिलहाल यहाँ पर जो हेवी रेनफॉल हुआ जिसमें कि बादल फटना इसका जो है मुख्य कारण रहा जिसके कारण हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर कई लोगों की जाने चली गई हैं कुछ लोगों की और कुछ लोग अभी भी इसमें क्या है मिसिंग है तो फ्लड में एक सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि जब बाढ़ का पानी तेज़ी से जब एंटर करता है तो उस दौरान क्या होता है कि देखिए किस कोसी को ये नहीं पता रहता ना कि कहाँ पर कौन सा जो इंसिडेंट है जैसे केदारनाथ में आया था बाढ़ जिस तरह से आप देखेंगे अभी हिमाचल में जिस तरह से बाढ़ आया था तो इस तरह की बाढ़ में या फ्लड में समटाइम वी नेवर नो कि क्या इसमें होने वाला है ना इसके बारे में अगर कहा जाए कि क्या इससे रिलेटेड है आप कई बार आप सामान्य हैं लेकिन पता चला कि असामान्य जैसी स्थिति हो गई यहाँ पे तो कुछ वैसा ही सिस्टम यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि अचानक से और बादल फटना जो है स्पेशली पहाड़ी क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा क्या है समस्या है जैसे अगर बात किया जाए कि केदारनाथ का जब आप देखेंगे जो फ्लड आया था तो वहां पे भी क्या था बादल फटने के कारण इतनी बड़ी समस्या आई थी इनफैक्ट उस पर डिस्कवरी पे तो प्रॉपर तरीके से क्या हुआ था डॉक्यूमेंट्री भी बनाया गया था कि कैसे क्लाउड ब्रस्ट के कारण किस लेवल पे वहां पे जो है आ, आ, फ्लड का जो त्राहिमाम जो है वो हम लोग देख सकते हैं है ना तो यहां पर देखिएगा कि हाल ही में सिक्किम के दक्षिण लोहनक झील में हिमानी झील के फटने से आई बाढ़ से दस लोगों की मौत हो गई और जो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें सेना के कई जवान जो है अभी लापता है मिसिंग है अभी द, अब ये लीक कहाँ लेक कहां पर है दक्षिण लोहनाक झील के बारे में आइए बात करते हैं सो वेयर इज दिस ये है कहां पर इसके बारे में हम लोग देखेंगे अच्छा हाँ सुनिए जितने लोगों को लग रहा था कि क्लास खत्म होंगी बच्चों क्लास खत्म नहीं हुई है क्लास बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया था थोड़ा सा बीच में जो है एक तरह से ये कह सकते हैं आप कि क्या कहते हैं आपको नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा क्या हो गया बीच में थोड़ा सा रुक गया था द लेक इज अब यहाँ पे इसका सिचुएशन यहां देखेंगे नॉर्दर्न सिक्किम सिचुएटेड अबाउट फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड मीटर अब सी लेवल इट फॉर्म्ड ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर इट इज अ मोरेन डैम्ड ग्लेशियर लेक एट द स्नाउट ऑफ द साउथ लोक ग्लेशियर सिक्किम हिमालय यह सिक्किम हिमालय के दक्षिण लोनाक ग्लेशियर के मुहाने पर स्थित एक मोराइन बांधी नदी झील है जो समस्या आया है जो प्रॉब्लम्स आई है इसके बारे में अगर बोला जाए तो लोहनाक झील के बारे में हम लोग क्या देख रहे हैं है? यह सिक्किम हिमालय के दक्षिण लोनाक ग्लेशियर के मुहाने पर स्थित है और एक मोराइन बांधित हिमनद क्या है ये झील है ओके चलिए अब आ, आगे देखते हैं यहां पर उन्नीस से 2000 के बीच लगभग 46 वर्षों में दो किलोमीटर तक हिमनद खिसकने के साथ यह राज्य की सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ने वाली जो है हिमनद झील बन गई है सो बेसिकली इट हैज बिकम द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्लेशियर लेक द स्टेट विथ अ ग्लेशियर रिट्रीट ऑफ ऑलमोस्ट टू किलोमीटर इन फोर्टी सिक्स ईयर बिटवीन नाइनटीन सिक्स टू एंड टू थाउजेंड एट अब आप सोच लीजिए यानी इसके बारे में अगर कहा जाए निकिता मैं कहीं नहीं गई थी मैं कहीं गई नहीं थी मैं यहीं थी बस नेट कहीं चला गया था बीच मिनट के लिए फ्लक्चुएशन हो गया था तो आप लोगों को लगा कि मेरी क्लास ही समाप्त हो गई नहीं जब तक मैं पूरा टॉपिक कराऊंगी नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपकी पढ़ाई में कहीं भी कोई डिस्टर्बेंस आए यही होगा ना थोड़ा सा क्या होगा कि पाँच मिनट के लिए बीच में रुकना पड़ा बट इट्स फाइन कोई दिक्कत नहीं है क्लास तो नहीं आपकी मिस होने चाहिए ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखिए ग्लेशियल के बारे में कहा जाए लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर दैट सिट इन फ्रंट ऑफ द टॉप ऑफ द बेनिथ ऑफ द मिल्टिंग ग्लेशियर एज दे ग्लो ग्रो लार्जर दे बिकम मोर डेंजरस अब देखेंगे यहां पर कि जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि हिमानी झीले पानी का बहुत बड़ा भंडार होते हैं ठीक है जो पिघलते ग्लेशियर के सामने ऊपर या नीचे स्थित होते हैं यानी जो भी मेल्टिंग ग्लेशियर होता है उसके या तो ऊपर में ये अवस्थित होगा या तो ये नीचे में अवस्थित होगा लेकिन एक चीज समझिएगा कि अगर ये जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा ना ये और ज्यादा खतरनाक होते जाता है दिस बिकेम्स मोर डेंजरस ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये लगातार क्या है यहां पर डेंजरस हो सकता है ठीक है केस ऑफ side ह्यूज the विच क्लाउड कॉज द फ्लडिंग इन द डाउन स्ट्रीम एरिया दिस इज कॉल्ड glacial लेक आउटबर्स ठीक है ना तो इनकी चारों ओर की सीमा अगर टूट जाती है तो भारी मात्रा में पानी पहाड़ों की ओर नीचे की ओर बहता है जिससे निचले इलाकों में बाढ़ आ सकती है इसे हिमानी झील विस्फोट या जीएल कहा जाता है क्लियर है इट कैन बी ट्रिगर्ड द सेवरल इंक्लूडिंग एक्सट्रीमली हेवी रेन्स एंड आइस जो है यहाँ पर अवेल इसके बारे में अगर कहा जाए तो हम लोग क्या देख सकते हैं इसे भूकंप अत्यधिक भारी बारिश बर्फीले हिमस्खलन सहित कई कारण यहाँ पर शुरू हो सकते हैं देखिए सिंपल सी बात समझिए जैसे मान लीजिए कहा जा रहा है कि ये ग्लेशियर लेक है ठीक है ना इसके बारे में अगर कहा जाए सो so बेसिकली क्या है दिस इज ग्लेशियर लेक है क्या इसमें जितना पानी जमा होते जा रहा है ठीक है लेकिन जैसे ही ये यहाँ की इसकी सीमा यहां पर टूटी यहां पर जो इसको रोक करके रखा हुआ है तो फिर ये क्या हो जाएगा ये पानी नीचे की ओर पहुंचेगा जहां पर जो रहायशी एरिया है जहां लोग रह रहे हैं ठीक है थीके? और ये जितना बड़ा यही कहा जा रहा है कि ये अगर ज्यादा बड़ा होते जा रहा है इट मीन्स कि इट बिकेम्स मोर डेंजरस ये एक साथ पूरा पानी बड़ी अमाउंट ये क्या करेगा छोड़ देगा कहां पर जहां पे लोग रह रहे हैं वहां तक पहुंच जाएगा ठीक है जी हाँ क्लियर है आप सबको यहां पे तो इसके बारे में यही कहा जा रहा है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं मतलब अगर ये हुआ कि क्या है कि ये जब तक छोटा है तब तक तो ठीक है भाई लेकिन ये अगर ये जैसे जैसे बड़ा होते जा रहा है तो देन इट बिकम्स मोर डेंजरस क्योंकि इसके पानी का भी एक लिमिटेशन है यानी ये जहां तक रोक पाएगा और जैसे ही ये ये यहाँ फटा उसके बाद से फिर क्या हो जाएगा कि इस पूरे नॉर्मल रीजन में क्या कर देगा ये यहाँ पे जहाँ पे लोग रहते हैं वहां तक पानी की बड़ी मात्रा में एक तरह से कह लीजिए कि उससे काफ़ी बड़े बड़ी संख्या में ये त्रासदी या कह लीजिए कि ट्रेजिडी ला सकता है क्लियर है ये आप सबको हाँ जी इज इट क्लियर और बच्चों प्लीज क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिएगा है ना यस yes, सुहानी इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू ये समझ गए आप लोग तो जो सिक्किम में अभी हुआ है यहाँ पे हाँ जी इसके बारे में अगर देखेंगे तो सिक्किम में जो अभी हुआ है उसका बहुत बड़ा कारण क्या रहा था जी इसका देखिए एक चीज मैं आपको बता देती हूँ सिड कह रहे हैं कि मैम कैपेसिटी क्या है कभी भी नेचुरल चीज़ों की कैपेसिटी आप नहीं जान सकते हैं कभी भी नहीं कई बार कि कम पे भी आपको लग रहा है कि चीज़ें ठीक है कई बार लग रहा है कि इस पर लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो कहां पर जा करके जो है साथ छोड़ दे <laughs> है ना तो नेचुरल चीज़ों में कैपेसिटी अगर उस तरह से देखा जाए तो हिमाचल में जो नदियां में पानी है वो ठीक है लेकिन कभी कभी वही पानी क्या हो जाती है अचानक से डिजास्ट्रस हो जाती है वही नदियों में एक नॉर्मल होता है कि उसमें पानी रहता है अगर वो अचानक से यहाँ पे ठीक है अब आइए यहाँ पे देखते हैं ये क्या है बोजो बोज को बो, बोजना कोंडा रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेंशन 7.30 करोड़ रुपीस फॉर टेकिंग जो है अप लैंडस्केपिंग एंड डेवलप अ टूरिस्ट एमिनिटीज एट बोजन कोंडा तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा यहां पर एक बार देख लीजिएगा कि किसके बारे में बात हो रहा है बोजना कोंडा पर स्थल पर भूमि निर्माण और पर्यटक सुविधाओं के लिए 7.3 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है बोजना कोंडा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ये है कहाँ पर वेयर इज दिस तो बोजना कोंडा है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश द साइटेड अंडर द एजेस ऑफ द एलेक्सेंडर रिम इन नाइनटीन हंड्रेड सिक्स आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है इसको टूरिज्म के पर्पज से इसको डेवलप करने की कोशिश की जा रही है और इस पर अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा एक बड़ा बजट क्या किया गया है आवंटित किया गया है तो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म और ये है कहां पर सो इट इज लिक्वेटेड यानी ये चर्चा में या न्यूज में रहा तो ये कहां पर लोकेटेड लोकेटेड है लोकेटे इन आंध्र प्रदेश ओके okay? हाँ. इसके बारे में अगर कहा जाए तो इट वॉज ओरिजिनली नोन एज अ बुधूनी कोंडा इसको बुधुनी कोंडा के नाम से भी जाना जाता था या बट इट केम टू बी नोन एज अ बुजाना कोंडा इन द कोर्स ऑफ द टाइम बुद्धिस्ट मॉन्स यूज टू प्रैक्टिस ऑन हील अबाउट द दो हजार देखिए अगर यहाँ पर दक्षिण भारत में अगर बात करेंगे ना तो आप देखते हैं जैसे कि अमरावती वाला जो रीजन हो गया या फिर नागार्जुन कोंडा वाला जो क्षेत्र हो गया जहाँ पर गौतम बुद्ध के स्टैचूज बनाए गए हैं स्कल्पचर्स बनाए गए हैं आप सबको मालूम है तो वाई दिस इज पॉपुलर ये पॉपुलर क्यों है क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो बुद्धिस्ट मॉन्क हुआ करते थे वो यहाँ पर आते थे और यहाँ पर ये वर्शिप करते थे पूजा अर्चना करते थे जो भी इनका अपना है तो बहुत पहले से बौद्ध भिक्षुओं का बोझना कोंडा जो कि मेनली जो है ये किस नाम से जाना जाता था ओरिजिनली नोन एज अ बुद्धुनी कोंडा इज इट क्लियर या इज इट क्लियर इतुसू क्लियर है आप सबको यहाँ पे तो इस जगह का पहले नाम क्या था बुद्धुनी किससे बना है दिस इज रिलेटेड टू गौतम बुद्धा समझ में आ गई बात क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में अः एक जो है यहाँ पर कौन आते थे बुद्धिस्ट मोंक आते थे और यहाँ पर ये लोग निवास करते थे जिसके कारण इस जगह का नाम था बुधुनी कोंडा बट लेटर ऑन धीरे 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 समय बदलता गया एंड दिस प्लेस वॉज बिकम पॉपुलर एज द बोजना कोंडा अब ये बोजना कोंडा के नाम से हो सकता है देखिए आपके यूपीएससी के प्रिलिम्स में हो सकता है कि यहाँ से प्रश्न बन जाए इसके लिए तैयार रहिएगा ठीक है ना इसके लिए तैयार रहिएगा क्योंकि इस तरह के ना प्रश्न बन सकते हैं अब हो सकता है कि ये, ये ना इन आंध्र प्रदेश रीजन ये क्यों चर्चा में रहा हो सकता है आपका प्रश्न यहाँ से बनने के चांसेस हो सकते हैं क्लियर है इज इट क्लियर सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दैट कि इसको ही टूरिज्म के क्षेत्र में या फिर इसको कह सकते हैं हाँ जी अच्छा अब इस जगह की कुछ खासियत देख लीजिए बोज्जानिक कोंडा के बारे में एक, एक इंटरेस्टिंग फीचर्स है इस साइट का कि यहाँ पर बुद्धिज्म के तीनों फेजेस दिखाई देते हैं हीनयान महायान और वज्रयान अमूमन ऐसा देखने को नहीं मिलता है सो वी कांट जो है सी लाइक दिस टाइप ऑफ सिनारियो जैसे आप कई जगह पर ये देखेंगे कि हाँ ये प्लेस जो है हीनयानियों से रिलेटेड है दिस प्लेस बिलोंग्स टू द महायानीज बट ऐसा नहीं है कि हीनयान महायान और वज्रयान वज्रयान यानी वो बुद्धिज्म का वो सेक्टर जो तंत्र वंत्र जिसको कहते हैं जादू टोना जिसमें बिलीव करता हो तो वो भी शाखा यहां पर दिखाई देती है बुधुनी कोंडा और वज्र कोंडा में तो दैट्स वाई ये एक बहुत ही पॉपुलर जगह रहा हुआ है साहिबा पीडीएफ के लिए आपको अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन का एप डाउनलोड करना पड़ेगा और वहीं पर आपको मिलेगा जो है पीडीएफ ठीक है ना ये क्लियर है आप सबको यहाँ पे तो जो बेस्ट जो फीचर हम क्या देख रहे हैं कि दैट हीनयाना महायाना एंड वज्रयाना ये तीनों के तीनों सेक्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं ठीक है ना चलिए जी अब आते हैं यहां पर तो जो हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर अब आते हैं इचामती नदी वाई दिस इज इन न्यूज ये न्यूज में क्या रहा हाँ याद रखिएगा देखिए क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि आपके प्रश्न यहां से जो मैं बता रही हूं ना ये बात आप मान लीजिए कि प्रश्न यहां से आएंगे ही आएंगे ठीक है ना एकदम क्लियर रही है और एक चीज सुनिए करंट अफेयर्स जब पढ़ते हैं ना तो करंट अफेयर्स का मतलब कभी नहीं होता कि आपके लोकल न्यूज़ जो आप देख रहे हैं कि हाँ फलाना ये हो गया ये हुआ इस संस्था का उद्घाटन हो गया दैट इज नॉट द करंट अफेयर्स वो आपका करंट अफेयर्स कभी नहीं होता है कई बार मुझसे कुछ स्टूडेंट पूछते हैं मैम मैं जो सुबह सुबह जब पेपर लेता हूँ ना या लेती हूँ ना तो मुझे सुबह में ना न्यूज़ में यही सब दिखाई देता है कि इसका उद्घाटन हुआ ये हुआ ये आए ऐसे हुआ और आपस में लड़ाई झगड़े हुए पता नहीं क्या 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 ये लोकल न्यूज कभी भी आपका करंट अफेयर्स नहीं होता है ध्यान रखिएगा करेंट अफेयर्स जो है करंट अफेयर्स निकाला जाता है कि आपके प्रश्न कहां से बनेंगे ठीक है ना अब वो जनकोंडा के बारे में आपने पढ़ा मे भी आपका नजर गया भी होगा तो आपका ध्यान नहीं होगा कि वो क्या है यहां पे ठीक है ना ईचामती नदी के बारे में आइए देख लेते हैं श्री शांतनु ठाकुर इनोग्रेट्स ड्रिगेडिंग जो है यहाँ पर ड्रेजिंग वर्क एट नेशनल वाटर वेज फोर्टी फोर ईचामी रिवर इन वेस्ट बंगाल आइए देखते हैं क्यों रहा ये चर्चा में ड्रेजिंग फॉर द जो है यहाँ पर आ जाइए यहाँ पे देखते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज विथ हिस्स कंटिन्यूस एफर्ट्स इज डेवलपिंग एंड मॉडर्नाइजिंग नेशनल वाटरवेज टू प्रोमोट ट्रांसपोर्ट ठीक है ना द मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज जिनके द्वारा क्या किया गया है नेशनल वाटरवेज ईचामती वेस्ट बंगाल के बारे में ये चर्चा में रहा तो आइए देखते हैं ठीक है ना तो द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग वन सके हाँ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज हैज स्टार्टेड वर्क टू रिवाइव द ईचामती रिवर सो बेसिकली रिवाइव करना का मतलब होता है क्या कि इसके पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय ने ईचामती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए काम शुरू किया गया है सरकार ने ईचामती नदी के तिरसठ किलोमीटर के हिस्से को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिया है और इस जलमार्ग संख्या चौवालीस के रूप में चिन्हित किया है तो ये क्लियर हो गया आप सबको यहाँ पे कि ईचामती रिवर के बारे में अगर बोला जाए तो गवर्नमेंट ने क्या यहाँ पर डिसाइड किया है सो गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रिवाइव द इचामती रिवर और इसका लगभग जो 63 किलोमीटर का जो रास्ता है उसको नेशनल वाटर वे के तौर पे मार्क किया है और इस वाटर वे का नाम क्या रहेगा रूट नंबर कितना रहेगा चूंकि आपको पता है जितने भी नेशनल वाटर वेज हैं उनका क्या होता है नाम होता है या उनका जो है संख्या नंबर रहता है तो ये रहेगा चौवालीस फोर्टी फोर ठीक है 44, ना वाटर वेज नंबर फोर्टी फोर ओके तो आइए ईचामती रिवर के बारे में देख लेते हैं ईचामती या इच्छाती भी बोलते हैं इसको इस रिवर को ट्रांस बाउंड्री रिवर है दैट फ्लोज थ्रू द वेस्ट बंगाल इंडिया एंड बांग्लादेश आइए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं इक्षामती नदी एक सीमा पार नदी है जो पश्चिम बंगाल भारत और बांग्लादेश से होकर के बहती है इसका ऑरिजिन कहाँ है इट इज वन ऑफ द बाईफर्केश ऑफ रिवर जो है यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि मत यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे माथा नदी एंड ओरिजिनेट्स एट द महजिया विलेज इन द नादिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बेंगाल ये माथा भंगा नदी के विभाजनों में से एक है और पश्चिम बंगाल के नादिया जिले से महजदिया गांव से निकलती है ओके okay है या इज इट क्लियर इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू ये क्लियर है आप सभी को यहां पर तो इच्छा मती रिवर जो है ये चर्चा में क्यों रहा देखिए नदियों को पुनर्जीवित करना या रिवाइव करना जैसे कि अगर हम लोग बात करें इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट कि लाइक यमुना रिवर तो यमुना रिवर पे भी आपने देखा होगा कि बहुत उसको रिवाइव करने की कोशिश की गई हाँ कि इसको रिवाइव किया जा गया तो है क्या कि जो भी जो भी हमारी इंपॉर्टेंट भाई नदियों का ठीक रहना वॉट इट मीन्स कि इससे हमारा क्लाइमेट हमारा जलवायु और कहीं ना कहीं से वाटर वेस्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी क्या रहेंगी आपकी ठीक रहेंगी तो इक्षामती रिवर को फिर से रिवाइव करने की कोशिश का एक बहुत बड़ा रीजन यही है कि इसको हम लोग नेशनल वॉटरवेज के फॉर्म में डेवलप करना चाह रहे हैं और ये वॉटरवेज का रूट नंबर क्या रहेगा रूट नंबर फोर्टी ओके है अच्छा सुनिए मैं आपसे बार बार कह रही हूं चैट मत ऑफ करिए मैं आप सबको देख रही हूं अभी हम लोग एमसीक्यू सेशन पे भी आएंगे प्लीज डोंट ऑफ द चैट और क्लास में बने रहिए मुझे पता है कि आज थोड़ा सा आप लोगों को डिस्टरबेंस हुआ बिकॉज ऑफ नेटवर्क फ्लक्चुएशन बट कोई नहीं अभी थोड़ा सा एडजस्ट एडजस्ट कर लीजिए इतना तो तो आप आप लोग एडजस्टेबल है लाइफ तो अपने आप में क्या एक से भरा हुआ क्या होता है इंसान जब से जन्म लेता है तब से वो क्या करता रहता है वो तब से जो है यहाँ पर अच्छा एक बड़ा ही शानदार यहां पर देखिएगा एक बहुत दिन से एक डिमांड हो रहा था कृषकों के द्वारा टर्मरिक को लेकर के तो मोदी कैबिनेट ने दी राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड को मंजूरी किसानों का होगा बड़ा फायदा तो देख लेंगे यहां पे कि इसमें क्या है नेशनल टर्मरिक बोर्ड तो यहां पर देखेंगे क्या है सो बेसिकली अहेड ऑफ तेलंगाना इलेक्शन टर्मरिक बोर्ड कंस्टिट्यूशन ठीक है ना तो अभी हम देख लेते हैं यहां पर कि क्या है यहां पे क्या न्यूज में रहा हाँ जी तो हाल ही में यानी कि अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कैबिनेट है इनके द्वारा प्रॉपर वे में जो टर्मरिक बोर्ड है उसको मान्यता जो है एक तरह से ये कह सकते हैं कि इसको गठन के अधिसूचित कर दिया गया है जो देश भर में हल्दी के किसानों की लंबी समय से यानी जो लोग हल्दी की खेती करते हैं उनकी बहुत दिन से ये डिमांड थी तो यहाँ पे अ सेंटर रिसेंटली नोटिफाइड द कंस्टिट्यूशन ऑफ़ द नेशनल टर्मरिक बोर्ड लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड ऑफ द टर्मरिक फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री बहुत दिन से इसको लेकर के बात चल रही थी कि भाई क्या करिए आप टर्मरिक का एक बोर्ड जो है बना दीजिए टर्मरिक मतलब हल्दी जो कि मुझे लगता है कि हम भारतीयों के खाने का ये सबसे इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है अगर हल्दी ना रहे तो शायद हमारा खाना ही ठीक नहीं होगा एम आई राइट अगर मैं गलत नहीं तो ज़रा बताइए आप सब लोग हाँ जी अगर मैं गलत नहीं तो आप सब लोग बताइए कि हल्दी बिना सब सुन हाँ हमारा अगर हम लोगों के खाने से अगर हल्दी गायब कर दिया जाए तो इट सीम्स लाइक कि खाना जो है वो अच्छा ही नहीं लगेगा हम लोगों को लगेगा कि पता नहीं क्या है है ना हम लोगों को ऐसा लगेगा कि पता नहीं खाना में कुछ जान ही नहीं है तो टर्मरिक एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्ग्रेडियंट है और इससे जुड़े हुए जो किसान हैं वो बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे कि जो है एक बोर्ड बना दिया जाए ताकि बहुत सारी चीज़ें जो है ठीक से चल सके तो यहां देखेंगे द बोर्ड विल हैव अ चेयरपर्सन हु विल अपॉइंटेड बाई द सेंटर सेंटर के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाएगा इट विल हैव मेंबर्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर तो इसमें ना अलग अलग डिपार्टमेंट से क्या होंगे इसके सदस्य होंगे जैसे कि आयुष मंत्रालय से इसके सदस्य होंगे उसके अतिरिक्त अगर कहा जाए यहाँ पे तो फार्मास्यूटिकल्स विभाग कृषि विभाग किसान कल्याण मंत्रालय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ठीक है ना इन सभी राज्यों से हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे इन सभी जगहों से या इनके बारे में जो मिनिस्ट्रीज हैं यहाँ से इसके रिप्रेजेंटेटिव होने की संभावना इसमें एन नेशनल टर्मरिक बोर्ड में होंगे आर एन डी का मतलब हो जाता है कि रिसर्च और डेवलपमेंट यानी इसके शोध और अनुसंधान से भी संबंधित इसमें काम होंगे तो नेशनल जो है नेशनल स्टेट इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व रिसर्च रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टर्मरिक फार्मर्स एंड एक्सपोर्टर्स विल ऑल्सो बी मेम्बर ऑफ दिस बोर्ड यानी इस बोर्ड के ये भी क्या होंगे सदस्य होंगे ठीक है ना और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा बोर्ड में एक सचिव नियुक्त किया जाएगा ओके okay है इज इट ओके तो ये एनटीबी के बारे में कहा जा रहा है यहां पर जी तो इसके बारे में अगर कहा जाए कि हल्दी के बारे में अगर कहा जाए तो ये क्या एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है अगर देखा जाए यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि इंडिया हैज 62 परसेंट शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इन टर्मरिक आप सोच लीजिए कि भारत का पूरे विश्व में है ना जो टर्मरिक का या फिर कह लीजिए कि जो हिस्सेदारी है वो बासठ है हल्दी के सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं महाराष्ट्र तेलंगाना कर्नाटक और तमिलनाडु सो वट वी कैन सी द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ टर्मरिक आर महाराष्ट्र तेलंगाना कर्नाटका एंड तमिलनाडु ठीक है जी नॉर्थ कोयल रिजर्वायर जो है प्रोजेक्ट है इसके ये भी चर्चा में रहा कैबिनेट अप्रूव्स रिवाइज्ड कॉस्ट फॉर द कंपलेशन ऑफ नॉर्थ कोयल ये झारखंड में बिहार और झारखंड में हम देखते हैं उत्तरी कोयल नदी है जिसके जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि कैबिनेट समिति ने उत्तरी कोयल सिंचाई परियोजना के शेष कार्यों पर संशोधित लागत को पूरा करने के लिए प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है तो यानी कुछ प्रस्ताव जो रुके हुए थे जिसमें कि उत्तरी कोयल परियोजना जो झारखंड में रांची के पठार से निकलती है और सोन नदी की एक सहायक नदी है बिहार में ये गंगा में जाकर के मिल जाती है तो इससे रिलेटेड जो रिफॉर्म जो प्रोजेक्ट है हाँ तो इसमें बैराज बनेगा और उसके बाद से क्या है इसमें जो है इंपॉर्टेंट इसके डेवलपमेंट के संदर्भ में हम लोग देख सकते हैं और इसमें बिहार और झारखंड के जो सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं उनको क्या होगा बेनिफिट मिलेगा चलिए अब आते हैं हम लोग अपने प्रलिम्स बूस्टर एमसीक्यू सेशन पे आइए देखते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आ ही गए यहाँ पर शालिनी यहाँ आ जाइए फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चिनाब ब्रिज इट इज़ अ पार्ट ऑफ द उधमपुर श्रीनगर बारामूला जो है रेल लिंक प्रोजेक्ट इट इज़ द द सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज इन वर्ल्ड यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है यह दुनिया का सबसे ऊंचा सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज है तो चलिए बताना है अब जल्दी से जुड़ जाइए आप सब लोग यहाँ पे जी हाँ अब जल्दी से जुड़ जाइए आप सब लोग जितने लोग भी अभी तक चैट ऑफ करके बैठे थे आप कृपया करके जल्दी से जुड़ जाइए चिनाब ब्रिज अभी मैंने आपसे बात की है चेनाब ब्रिज के बारे में तो व्हाट इज़ व्हाई दिस इज फेमस चेनाब ब्रिज क्यों फेमस है और चेनाब ब्रिज का अगर पूछा जाए तो ये चर्चा में क्यों रहा है इस पर एक अच्छी खासी लंबी डिस्कशन मेरी आप सबसे हो चुकी है और रिगार्डिंग चेनाब ब्रिज देखिए सी इज द राइट right आंसर इसका सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा हाल ही में समाचारों में देखी गई बहुत कम दूरी की वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें आप इसे विशेष रूप से कम दूरी पर कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों के मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है इसमें सतह से हवा मार करने वाली हल्की और पोर्टेबल मिसाइलें शामिल है जिन्हें व्यक्तियों द्वारा दागा जा सकता है अब ऊपर दिए गए जो स्टेटमेंट है उसके रिगार्डिंग आपको आंसर देना है चलिए जी कहीं मत जाइए मैं बार बार कह रही हूँ कि ये जो फिलिम्स बूस्टर का जो एमसीक्यू सेशन है यहां से मान के चल लीजिए कि आपके प्रश्न आएंगे ही आएंगे तो बने रहिए बच्चों जुड़े रहिए और मैं बार बार कह रही हूं कि क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चलिए बताइए इसमें क्या होगा आ, याद अगर होगा आप सबको तो मैंने स्टार्टिंग में ही इस पर काफी लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ था आप सबसे <laughs> बिल्कुल सही है बीरू पी सोनकर राधा रमन है मनीषा है ओके okay, नेहा गुप्ता है एक्सैक्टली exactly, बिल्कुल सही होगा सी इज द राइट आंसर ये बिल्कुल सही आंसर है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है है पर आपसे पूछा जा रहा राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है ओके okay, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इट इज रजिस्टर्ड एज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड विद द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में पंजीकृत है इसका एम है इट एम्स टू एनहांस इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग जो है बाय इन्वेस्टिंग इन ग्रीनफील्ड फील्ड एज वेल एज ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स इसका उद्देश्य ग्रीन के साथ साथ ब्राउनफील्ड परियोजनाओं में निवेश करके बुनियादी ढांचों के वित्त पोषण को बढ़ाना है अब बताइएगा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है चलिए भाई आंसर दे दीजिए पे राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के संदर्भ में सो बेसिकली दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू दैट अब आपको यहां पे बताना है कि क्या होगा विच वन इज द राइट आंसर तो सेकेंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि इसका उद्देश्य ग्रीनफील्ड के साथ साथ ब्राउनफील्ड परियोजनाओं पे क्या करना है? निवेश करना है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के साथ वैकल्पिक निवेश कोष किस रूप में पंजीकृत है तो ये तो बिल्कुल सही है यहाँ पे इसका देखेंगे यहां तो द दे राइट आंसर किस लेखक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया विच ऑथर वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर एनी ऑरनेक्स जॉन फॉसे अब्दुल रजा गुरना और लुइस ग्लूक चलिए इसका आंसर दे दीजिए <coughs> सो विच वन इज द राइट आंसर ये पूछा जा रहा है कि नॉबल यानी कि अगर साहित्य का जो नॉबल दिया गया है तो ये किसे दिया गया है एनी ऑरनेक्स जॉन फोसे रज़ा गुरना एंड लुइस ग्लूक चलिए जल्दी से आंसर दे दीजिए आप सब लोग और मेरे प्यारे बच्चों क्लास को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि वैसे भी आज क्लास एक बार डिस्टर्ब हो गया था यस जॉन फॉसे जो है इनको मिला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है वेयर इज द रिसेंटली डिस्कस्ड साउथ लोहांक लेक लोकेटेड हाल ही में जो चर्चा में रहा है दक्षिण लोहांक झील कहाँ पर स्थित है लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश लद्दाख मेघालय एंड सिक्किम बी फॉर बहुत अच्छा <laughs> कहाँ से लेकर के आते हैं इस तरह के टेक्निक्स आप लोग हैं कहाँ से लेकर के आते हैं ये टेक्निक्स आप लोग पहले तो मुझे ये बताइए हाँ हाँ सिंपल सी बात है सिक्किम में इसके बारे में अगर कहा जाए सो ये आपका करेक्ट आंसर होगा वेयर इज द रिसेंटली डिस्कस्ड आर्कोलॉजिकल साइट बोजान कोंडा लोकेटेड हाल ही में चर्चा में रहा पुरातात्विक स्थल बोजन कोंडा कहाँ पर स्थित है कर्नाटका तेलंगाना आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु अब है चलिए बहुत अच्छा लगता है कि स्पेशली जब मेरे पुराने विद्यार्थी क्लास में जुड़े रहते हैं इट्स रियली नाइस इट्स रियली नाइस आप सब लोग जुड़े रहते हैं चलिए इसका आंसर दे दीजिए यहाँ पे वो जनाकोंडा जो है ये बेसिकली कहां पर है आइए देखते हैं क्या आंसर दिया है आप सबने यहाँ पे यवित कैसे आप डी आंसर दे दिए नहीं होंगे इसका मतलब है आप क्लास में हंड्रेड एंड टेन परसेंट जब मैं पढ़ा रही थी तो आपको नहीं आऊंगा आप क्लास में तभी आपको नहीं मालूम है जो लोग भी गलत आंसर दे रहे हैं ना जो लोग बी आंसर दे दे रहे हैं डी आंसर दे दे रहे दैट इज एप्सलूटली रॉन्ग वो पूरी तरह से गलत है आंध्र प्रदेश अभी तो बताया था बुद्धनी कोंडा के नाम से जाना जाता था बट बाद में ये बोजना कोंडा के नाम से फेमस हो गया आइए देखते हैं रिसेंटली द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल टर्मरिक बोर्ड हैज बिन नोटिफाइड द नोडल डिपार्टमेंट टू प्रोवाइड फंड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दिस विल बी अब यहां पर कहा जा रहा है आपको बताना है कि हाल ही में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को गठन को अधिसूचित किया गया है इसके लिए धन और बुनियादी ढांचा प्रदान करने वाला नोडल विभाग कौन सा होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स फिनास मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर तो ये बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सो विच वन इज द राइट आंसर हाँ मुझे लग गया था ये कि आप एम सी क्यू कर नहीं आए हैं जिन्हों जो भी गलत आंसर दे रहे हैं वो समझ में तो आ ही जाता है कि वो कर क्या रहे हैं सो विच वन इज द राइट आंसर नेशनल टर्मरिक बोर्ड के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है चलिए देखें यहाँ पे क्या आंसर दे रहे हैं सब हाँ बिल्कुल सही है uh, ज्यादातर लोगों ने सही आंसर दिया दैट ए इज द राइट आंसर आइए देखते हैं विच टू स्टेट्स इन द कमांड एरिया ऑफ द रिसेंटली डिस्कस्ड नॉर्थ कोयल एरुगेशन प्रोजेक्ट हाल ही में चर्चा में रही उत्तरी कोयल सिंचाई परियोजना का कमांड क्षेत्र किन दो राज्यों से होकर के जाएगा झारखंड और छत्तीसगढ़ बिहार और छत्तीसगढ़ बिहार और झारखंड बिहार और उत्तर प्रदेश तो चलिए इसका आंसर दे दीजिए क्या होना चाहिए उत्तरी कोयल नदी के बारे में बात हो रहा है सो हेर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रोजेक्ट जिसको कि क्या है uh, उत्तरी नॉर्थ कोयल प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रही है चलिए आंसर दीजिए कुछ क्वेश्चन में तो एकदम बिल्कुल आप लोग कंफर्म रहते हैं कि हाँ ये होगा आंसर यहां पे हमें चलना है सो दिस वन इज द राइट आंसर हाँ? बिहार एंड झारखंड टिंकल ने आंसर दिया है ओके okay. uh, शालिनी का आंसर आ रहा है बिहार एंड झारखंड ओके बिल्कुल सही आंसर है जिन लोगों ने भी आंसर दिया है दैट दिस वन इज द राइट आंसर बिहार और झारखंड से संबंधित है भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है इन द इन विद द रेफरेंस टू इनलैंड वाटरवेज ऑथोरिटी ऑफ इंडिया फॉलोइंग स्टेटमेंट इट वॉज फॉर्म इन नाइन द सेकेंड स्टेटमेंट इज द हेड ऑफिस ऑफ आई डब्ल्यू ए आई इज नोएसौ नब्बे में हुआ था और आई डब्ल्यू ए आई का मुख्य कार्यालय नोएडा यूपी में है तो ये बताना है कि क्या होगा इसका आंसर नहीं आज आप लोग गदर नहीं मत जा रहे हैं आज आप लोगों के प्रश्न जो है ना वो बहुत ही क्या है यहाँ पे मिले जुले हैं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग के बारे में पूछा जा रहा है कि इसका गठन कब हुआ था अच्छा वो थार राइट जो भी कह रहे हैं ना वो गलत कह रहे हैं क्या 1990 में इसका गठन हुआ है या 1985 में इसका गठन हुआ है हाँ हाँ सी वाले जो लोग सी आंसर दे रहे हैं थोड़ा सा रुक करके संभल करके यस यवित जितने लोग भी आंसर सी दे रहे हैं ना थोड़ा सा संभल जाइए सी इज़ नॉट द राइट आंसर पहली बात तो ये है कि सी करेक्ट आंसर नहीं है अब आप लोग मिला लीजिए कि क्या आंसर होना चाहिए हाँ जी सी वाले जो अंधाधुंध तरीके से जो लोग सी आंसर दे रहे हैं थोड़ा ठहर जाइए थोड़ा संभल जाइए सी नहीं होगा पहले मैं बता दे रही हूं कि सी इज नॉट द आंसर सी आपका सही आंसर नहीं है तो अब आप बताएंगे कि क्या होगा अब है अब आंसर दे रहे केवल दो होगा ठीक है 1990, 1990 में नहीं हो रहा है इसका इसका गठन 1985 में हो रहा है ठीक है ना 1985 में बात हो रही है हाँ अब तो सब सुधार ही देंगे है ना पूजा अब तो सब आंसर सुधार ही देंगे यहाँ पर आ जाइए यहाँ पे तो केवल दो इसके बारे में अगर कहा जाए सो so यहाँ पर ओनली टू इज द राइट आंसर हाल ही में चर्चा में रही ईचामती नदी का उद्गम किस राज्य से होता है द रिसेंटली डिस्कस्ड ईचामती या इच्छा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच स्टेट बिहार असम पश्चिम बंगाल एंड उड़ीसा प्रश्न पूछा जा रहा है कि इच्छा नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है और कहाँ से निकलती है ये नदी तो आसाम से बिहार से पश्चिम बंगाल से या फिर उड़ीसा से चलिए अब देखो जरा क्या आंसर दे रहे हैं आप सब लोग कम से कम लास्ट प्रश्न है ये आज के सेगमेंट का गदर मचा दीजिए मैं चाहती हूं हाँ जी नेहा जी लास्ट दिस वन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडे सेगमेंट आज के सेगमेंट का ये अंतिम प्रश्न है तो आशा करती हूं कि आज के प्रश्न में जो है आप लोग दुखी नहीं करेंगे और अंतिम में अंत भला तो सब भला वाली कहानी रहेगी यहाँ पे वेस्ट बंगाल करेक्ट आंसर है बिल्कुल सही है पश्चिम बंगाल होगा इसका करेक्ट आंसर ओके तो बच्चों यहाँ देख लीजिएगा और जो लोग भी अभी लेट से हाँ मैं बार बार कह रही हूँ कि आप लोग कृपया करके अड्डा अगर आपको पीडीएफ चाहिए आज की क्लास का तो आप लोग जो है डाउनलोड करें अड्डा ट्वेंटी फ़ोर सेवन आई का ऐप बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम कहाँ से पीडीएफ मिलेगा तो पीडीएफ बच्चों आपको यहीं से भी मिलेगा आपको यहाँ पर आना पड़ेगा अब या तो फिर आप अड्डा ट्वेंटी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी और एक चीज़ और देख लीजिएगा यहाँ पर एक जो अभी जो ये बहुत अच्छा ऑफर है जो कि सिर्फ सात अक्टूबर तक है ये आई क्यू आई पी थ्री सिक्सटी आई क्यू आई पी यू पी एस सी गोल्ड का जो कि सुनील सर के निर्देशन में चलेगा या चल रहा है यह सुनील सर के द्वारा लिया गया एक बहुत ही शानदार इनिशिएटिव है तो ये सिर्फ सात तारीख तक ही है इस नंबर पे आप लोग एडमिशन के लिए कॉल कर सकते हैं ओके ओके डियर ऑल स्टूडेंट तो एक बार देख लीजिएगा ये बहुत अच्छा एक ऑफर है आप सबके लिए इस ऑफ़र को चूकी मत और शाम में पाँच बजे मिलिए मुझसे हिस्ट्री की क्लास में इतिहास की क्लास में मिलते हैं एम सेशन में सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए बने रहने के लिए और धैर्य के साथ रुके रहने के लिए ठीक है चलिए थैंक यू सो मच और क्लास को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ओके जी पूजा कह रही हैं यस पूजा चलिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका रहेगा और एक बार इसके बारे में देख लीजिएगा नंबर भी दिया हुआ है इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं ओके है